हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू मानवीरन फैमिली। दोस्तों, आज है ना हमारे पड़ोस में सत्संग चालू है, तो मस्त सुनाई दे रहा है। मुझे तो मज़ा आता है ये सुनने में, आपको भी सुनाई दे रहा होगा। सोनू देखिए, सोनू भी यहाँ पर सोया हुआ है, वो भी सुन रहा है। सोना, सोनू को भी मज़ा आ रहा है शायद। कल भी चालू था तो कल तो भागम भागी कर रहा था, आज सुन रहा है। डर गया ये मुझसे, सामने चिड़िया देख रहा है, इसे पकड़ने जा रहा है। सोनू बस चिड़िया को देखता रहता है, बस ऐसे ही जाएगा तो चिड़िया उठ जाएगी, फिर बैठ जाएगा। चिड़िया सोनू को ही चिड़ा रही है। सोनू भागी गया, चकली भागी गया, हाँ लो कर। कल भूज गए थे तो वहाँ डी मार्ट भी गए थे, तो देखिए घर का थोड़ा सा राशन भी मैं लेकर आई हूँ। चिपटे हैं ना, मुझे यही वाले पसंद आते हैं, क्योंकि धूप में भी ख़राब नहीं होते हैं, प्लास्टिक के धूप में ख़राब हो जाते हैं। और इससे है ना, कपड़ों में लोहे के होते हैं तो काट लग जाता है, कपड़ों के ऊपर जंक लगता है, तो ये मुझे बेस्ट लगते हैं, तो मैं यही वाले लेती हूँ और सस्ते भी काफ़ी हैं। हल्दी भी है, पोहे, ये बिस्किट कैट वन बाय वन फ्री था और मानवीर को ये चाहिए था तो उसने लिया है। और एक पैक मैंने अंजीर लिया है और ये चाय पत्ती, क्योंकि चेतन को तो बस सबसे ज़्यादा चाय ही चाहिए, तो बस इन सभी चीज़ों को अब ठिकाने लगाना है। सोनू आ गया है मेरी हेल्प करने, है ना सोना? सोना हमेशा साथ देता है, और कोई हो कि ना हो, सोनू हमेशा साथ रहेगा, है ना सोना? ये देखो, ये बोल रहा था मेरी टोकरी खाली करो। अंदर घुस के बैठ गया। शैम्पू से बाल धोना है, है सोना? पिसवाने हैं, मतलब फ्लोर मिल पर लेकर जाना है, तो मैं इस बोरी में ही डाल रही हूँ, क्योंकि स्कूटी में लेकर जाना है तो ये सही रहता है, बड़ा सा डिब्बा अच्छे से नहीं आता है, तो फिर मैं उसके अंदर ट्रांसफर कर लूँगी। ये 10 kg गेहूँ है, इसके अंदर मैं समथिंग 400 ग्राम जितने सोयाबीन डाल दूँगी। ऐसे ही तो सोयाबीन हमें अच्छे नहीं लगते, हम खा नहीं सकते, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते हैं, तो मैं इस तरीके से गेहूं के साथ मिक्स कर दूंगी और इसे हम आटे में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हम रोज खाने में यूज़ कर सकते हैं। गाइस, आज दिखाती हूँ फिर से हम क्या शॉपिंग करके आए हैं भूत से। ये देखिए, ये हमने भूत से शॉपिंग की है, मित्सू करके शोरूम था वहाँ से। ये ना इस तरीके के कुर्ते बनवाए हैं हमने चेतन के, मैंने पता है ना आपको पहले दिखाया था, ये फैब्रिक लिए थे तो 3 कुर्ते बनवाए हैं, तो उसके साथ इस तरीके के जैकेट हमें लेना था, तो यहाँ आसपास में तो मिलना मुश्किल था, तो फिर हम लोग भूज गए थे तो वहाँ पर देख कर आए, तो ये इसके साथ पैर किए तो एकदम मस्त मैचिंग मिल गया है। और एक ये वाला, ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये मेरा फेवरेट है और ये चेतन का खुद का फेवरेट है। मैं आपको दोनों एक खोल कर दिखा देती हूँ, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है मुझे ज़रूर बताना। ये देखिए इस तरीके से है, और ये पूरी कढ़ाई किया हुआ है, वर्क किया हुआ है, और इसका कलर भी एकदम मस्त है, दिख रहा है ना आपको अच्छे से। तो ये पूरा इस तरीके का जैकेट है, और ये वाला जो है ना, ये इस तरीके का है, ये एकदम सिंपल है, वो एकदम हैवी सा लुक दे रहा है, पर ये भी मुझे तो कलर वाइज इसके साथ बहुत ही अच्छे से मैच हो गया है, तो ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो बस कल तो यही एक शॉपिंग की हमने, स्पेशल इसी के लिए हम लोग भूज गए थे। अब बाद में इसकी मुझे प्राइस पूछेंगे तो मैं अभी आपको बता देती हूँ। ये वाला जो कुर्ता है वो है 1450
1450 का है, एंड ये वाला जो है वो है 990 मतलब कि 1000 रुपीज़। तो ये दे वाले कुर्ते नहीं सॉरी कोटी है, दोनों जैकेट है, तो ये दोनों हमने चेतन के लिए ली है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गई, आप लोग बताना आपको कैसी लगी है। ये देखिए सोनू को कहाँ पर बैठ गया है। चेतन एडिटिंग कर रहे हैं तो उसकी गोद में जाकर बैठ गया है। सोनू को ऐसे ही पसंद आता है ना सोनू? शना गाइस, अभी करके रूटीन काम फिनिश करके मैं बना रही हूँ वीडियो, तो मैंने तैयारियाँ कर ली हैं। मैंने लिया है एक ये छोटा सा फैब्रिक, इस तरीके का बहुत ही प्यारा सा और पूरा वर्क वाला डिज़ाइनर फैब्रिक है, छोटा सा पीस है और बहुत ही अच्छा और यूज़फुल DIY मैं बना रही हूँ। इतना छोटा सा पीस अगर आपके पास है तो आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा उपयोगी भी है। तो अभी मैं बना रही हूँ और आपको मैं बताती हूँ कि क्या बनाया कैसे बनाया। सो फ्रेंड्स, मेरा टॉप 3 वर्ड का वीडियो बनकर हो चुका है रेडी। मैंने एक छोटा सा क्लच पैक बनाया है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना है क्योंकि इसका फैब्रिक ही इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अब ये देखिए, यहाँ पर ये एक जिप वाला पॉकेट मैंने बनाया है और एक बनाया मैंने विदाउट जिप, और यहाँ पर है ना मैंने फोम का यूज़ नहीं किया है, ये शॉपिंग बैग का ही मैंने डबल यूज़ किया है। तो बहुत ही अच्छा, ये देखिए एकदम मस्त थिक बना है, एकदम लूज जैसा नहीं है, मस्त इसका शेप आ रहा है, आप देख सकते हैं, ये देखिए है ना एकदम अच्छे से ये हो रहा है। सो आप वेस्ट मटेरियल से इस तरीके का तो बहुत ही इजीली बना सकते हैं, बस आपको जस्ट ये वन पीस लेना है और उसके बाद मैंने इसमें शॉपिंग बैग अटैच की, उसके बाद एक और ये अस्तर का फैब्रिक लिया, उसमें यहाँ पर जिप अटैच की, और जिप अटैच करने के बाद ये जो फैब्रिक था उसके ऊपर इसे मैंने उल्टा रखा, इसके और इसके दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रखकर मैंने 3 साइड सिलाई कर ली, और जो साइड ओपन थी वहाँ से इसे मैंने सीधा कर लिया। उसके बाद उसे भी देखिए मैंने अंदर की तरफ दोनों हिस्सों को फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई कर दी। तो ये पूरा हो गया रेडी, बस हमें यहाँ मैंने यहाँ से 4 इंच का मार्जिन लेकर इसे फोल्ड किया और यहाँ दोनों साइड से सिलाई कर ली है। लास्ट में एक ये मैग्नेट बटन अटैच कर लिया है, और अगर आपके पास मैग्नेट बटन नहीं है तो आप जो वेलक्रो आता है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत बहुत ही ज़्यादा आसान है ये, बस फैब्रिक सुंदर होगा तो आप सिंपल सा अगर इस तरीके का बनाते हैं तो भी वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। और मैं आपके कमेंट का आंसर दे दूँ, एक कमेंट आ रही है प्यारे दोस्त की जो अक्सर मेरी वीडियो देखते हैं और कमेंट भी करते हैं, तो उन्होंने पूछा था कि ये वाला मैंने मीशो से मंगवाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं प्रोडक्ट आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ये वाली प्रोडक्ट थी, ये फेस हेयर रिमूवर है और ये कैसा वर्क कर रहा है। तो मैं अपने पर्सनल बताऊँ तो मैं इसका यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इससे अच्छा है कि मैं थ्रेड से रिमूव करूँ, क्योंकि ये एक दिन छोड़कर दूसरे दिन एकदम मोटे मोटे से हेयर यहाँ पर दिखाई देते हैं अपर लिप पर। तो थ्रेड से मुझे अच्छा लगता है कि 4-5 दिन या 1 वीक तक हेयर एकदम से नहीं दिखता है, लेकिन अगर आपको थ्रेड से दर्द होता है, आपको खुद से आप नहीं कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा वर्क करता है, आप इसे अल्टरनेट डे पर यूज़ कर सकते हैं या फिर आपके हेयर की जो ग्रोथ है उसके हिसाब से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये महंगा नहीं है ज़्यादा और अच्छे से वर्क कर रहा है। तो ये देखिए ये यहाँ पर इसमें सेल है और ये है ना इस तरीके से वर्क करता है। ये मेरा पड़ा पड़ा ही इसमें बैटरी ख़त्म हो गई है, मैंने इसका यूज़ ही नहीं किया, बस 3 से 4 बार यूज़ किया था। तो इसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसे ऊपर करना है तो इसके अंदर सील है तो ये पूरा स्टार्ट हो जाएगा, और बस हमें यहाँ पर इस तरीके से इसे बस मूव करना है तो अच्छे से ये अपना वर्क कर लेता है। सो अगर आपको थ्रेड नहीं यूज़ करना है तो ये बेस्ट ऑप्शन है, और इसके साथ इस तरीके का एक छोटा सा ब्रश भी आया है क्लिपिंग के लिए। सो गाइस, इस प्रोडक्ट का मैंने रिव्यू अपनी तरफ से दे दिया है, आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं।
और एक कमेंट थी कि मेरी बेटी प्रांसी मेरे ब्लॉग में क्यों नहीं दिखती है, क्योंकि हम दो बहनें हैं, दो भाई हैं और हमारे बस दो बच्चे हैं, एक मानवीर और एक प्रांसी। तो मानवीर मेरा बेटा है और प्रांसी नेहा की बेटी है जो कि मेरी सिस्टर है, मतलब कि मेरे देवर की बेटी है। लेकिन हम लोग ऐसा सोचते नहीं है कि वो मेरी बेटी नहीं है या फिर मानवीर नेहा का बेटा नहीं है, हम सेम कर दे। अभी नेहा भरत का राजकोट ट्रांसफ़र हो गया, भरत राजकोट है अभी, तो प्रांसी भी उसके साथ गई है। सो बहुत ज़्यादा याद आती है हमें भी, हमारा परिवार पूरा अलग सा हो गया है जैसे। तो प्रांसी इसीलिए मेरे ब्लॉग में नहीं दिख रही है। सो आई होप आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। अभी हो गई है दोपहर, बस मानवीर के आने की तैयारी ही है। गाइस अभी मैं बनाने वाली हूँ अनार का जूस। तो ये देखिए, ये अनार है ना, काफ़ी दिन पहले आए थे तो अब सूखने भी लग गए हैं। ताज़े ताज़े होते हैं तो अच्छा होता है, लेकिन अनार का क्या होता है ना कि इसे हम काटेंगे ना, अंदर से इसके जो दाने होते हैं वो एकदम फ्रेश निकलेंगे, इसके ऊपर की जो स्किन है वही सूखी है। और इसे काटने का एकदम आसान तरीका है, एक दोनों साइड से हमें इसे कट कर देना है और फिर यहाँ पर कट लगाने हैं इस तरीके से। इस तरीके से कट लगा देंगे ना तो ये आसानी से खुल जाता है। भी गर्मी लग रही है, कैसे आकर बैठ के वहाँ पर देख रहा है और मानवीर होमवर्क कर रहा है। मानवीर को गर्मी लग रही, होमवर्क करते करते खड़ा हो गया। मानवीर बोल रहा है सोनू को, यहाँ पर बैठो पंखे के नीचे, वहाँ दूर बैठा है, गर्मी होगी। सोनू देखो साहब बन गया। देखिए मैंने सारे अनार के दाने निकाल लिए हैं, कितने मस्त लग रहे हैं ना। अभी आधे का मैं अभी यूज़ करके जूस बनाऊंगी और बाकी मैं दाने रख दूंगी फ्रिज में ताकि वो ख़राब ना हो जाए। गाइस मैंने बनाया है चाइनीज सूप, तो आपको पसंद है अगर तो आ जाइए आप भी। ये है ना रेसिपी, अगर आप कहेंगे शेयर करो तो मैंने ये रेडीमेड पैकेट लिया था और इसी से बनाया है। बहुत ही इजी है ये, सिर्फ इसमें ये एक अंदर पाउडर आया था वो और पानी ही मिक्स करना था। तो यहाँ पर रेसिपी दी हुई है उसी तरीके से बना था मैंने। अपनी ओर से यहाँ पर कुछ टुकड़े मैगी के और ऑनियन अदरक ऐसा मिलाया है बस, तो रेडी है ये सूप। यहाँ पर देखिए मानवीर मैगी का मज़ा ले रहा है और मासा को मैंने दिया है सूप। फ्रेंड्स तो हमने खाना खा लिया है और अभी बज रहे हैं रात के 10। मैं यहाँ पर बाहर ही कर रही हूँ वॉकिंग और ये देखिए सोनू को घूमते घूमते आकर बैठ गया झूले में, अभी से मस्ती सूझ रही है। इतना बदमाश है ना, गुस्से में कभी नहीं काटता है, नाखून भी नहीं लगाता है, लेकिन अगर मस्ती कर रहा है तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ही नाखून लगा देता है फिर मस्ती मस्ती में।
आज इनको फुर्सत मिली है। बैठे ही हो। ये देखिए सोनू को तो बड़ी मस्ती चढ़ी है, देखो कहाँ ऊपर चढ़ गया। शना ठीक है, गाइस ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।